किए होंगे। जब 7 तारीख ने उसकी माँ थाना में जैसे चौधरी कबूल कर लिए है, अकीन का तो मर ही गया। जब हम ढूंढ रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई फोन नहीं, उन्होंने कैसे कह दिया कि इनका मर लिया। तो इन हमारे है जब तो बेरा कहा गया है उस पर, और उसके ये कहते ही तुरंत ऐसे चौके दिया कर दिया वो एक कम जो मैं कम जिसका मन डर था, मतलब तो सकी सुई उसके पास भी घूमते है। का मतलब जो वो यही चाहता था जो मुंह से इससे बयान ना निकल जाए। हाँ ऐसे तो ये चाहता था कि कोई ऐसा बयान ना निकल जाए अगर मैंने यहाँ इनका घर पर रेड मारनी पड़ जाए कदे पाए जाए। लेकिन उड़द फिर भटका गया हमने से चो नून तो इशारा होने नहीं दिया उसने कभी भी। और इसी बात से उसके मारी सुई उसके ऊपर घूम गया है। अब भाई उसने सारा बेरा था और जानबूझ के हमने गुमराह करता रहा। तो गुमराह करता रहा तो वो बोलते हैं भाई एक कोई भी मर्डर करता है किसी भी चीज में, मतलब उसने गुम किया जो जो भी कुछ किया है, तो उसके जो चेहरे पे डर दिखाई दे रहा था। डर कितने दिखा था वो तो तड़ गया अपना बुला ले सर अपनी कोठड़ी में जासो था। सुते उठ के 5 बजे आवे वो फाइल न काख में रखे आइयो तो भी नहीं दे रहा थारे काम लाग रहा हूँ। और जब भी उसका नजर पड़ी तो उसको मैं इमाम हंसता मिला है। कोई किसी प्रकार की बात कही है ना उनकी बात कर दिया ना महा देख लो ये के कहे इस बात ने नोट कर लो नोट नहीं करी वो मैं थोड़ा बहुत हंसता मिला है। तो डाली बात हमारी मतलब सक गया है आपका भाई। हाँ। और अब गांव वाले भी ये कह रहे हैं अब ना तो वो नो तो कौन कहेगा भाई मन ने देखा ये तो कोई कहे नहीं क्यों फिर आगे पुलिस उसने फांसी तोड़ दी की मरनिया ने कुछ नहीं कहे उसने ने इतना कोट पे देखा क्यों देखा के देखा कित देखा। लेकिन गांव वाले का कहना ये है कि ये उसके घर पे सिविल ड्रेस में प्राइवेट गाड़ी में जाना देखा है और एक बार नहीं कई बार देखा है। लड़का कौन सी क्लास में पढ़ता था मानसू? प्लस टू करके ला में दाखला लिया था। प्लस टू करके ला कर रहा था। हाँ दाखला लिया था। दाखला ले आया था। तो जो ये लड़का इसके साथ यारी दोस्ती थी क्या भाई की का इसका मारा कहने मत ये सारी दोस्त ने गांव में पूछा तो ये बोल ले कि वो तो किसी के साथ ही मानसू जो है इतनी अच्छी तरह से बोल चाल रखता ही नहीं था ज्यादा रखे नहीं उन्होंने तो काम कर अपना घर आया गया स्कूल मत पढ़े अपना घर आया गया बस चलो नहीं हुआ बाहर गया कभी भाई फेट जा रहा है उसमें 2-4 मिनट तो वो कोई भी बैठ जाए बोल ले बाकी हमने आज तक ये नहीं सुना अब भाई थारा मानसू बैठा था आज हमने आध घंटा तीन देखा जो कह दिया भाई बाले गुड़ा बाईपास पर बैठे रहे संभाली हो मारे दौरे इस प्रकार की कोई भी कदे सूचना नहीं आई। अब किसी गलत बाले के दौरे बैठा हो कुएं बैठा पाया है कि तो कोई मतलब है नहीं। तो आपका क्या कहना है भाई जिस तरह उस लड़का ने वो बुलाया था या फिर वो कहीं काम जा रहा था हिमांशु भाई उसको किडनैप किया गया है क्या लगता है? तो उसने भी रहा है बाइक दिखा दी और बाइक बिल्कुल साफ है बल्कि उसके ऊपर तेल खिंडा हुआ था ताजा उसी दिन का साफ हो सकती नहीं वैसे भी खड़ी कर दिया नहीं बाइक ने धूल तो तब भी लग जाएगी लगेगी धूल तो अपने घर खड़ी कर दिया जब भी धूल लगेगी और खेत मजे खड़ी कर दी तो फुहारा तो धोए बिना भी इतनी इतनी साफ कौन हो जितनी हुआ थी हमारे हिसाब से तो यह बाइक भी ढककर घर खड़ी कर रखी थी उस दिन की। और आप जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी ये कहा है भाई डीएसपी तो ही अब तुम क्या कर रहे हो कौन कहे ये बिना की हड्डी है ये तो साल भर तक पुरानी दिख लेकिन ये नहीं समझ मारा भाई पुलिस कर के रही है जब जो आदमी देख रहा है। अब डिप्टी सीएम ने तो वो किसी का कि मैं नहीं देखा अब वो तो एक उससे कहे जब उसने हड्डी देख दे ये कह दिया अब ये नहीं नहीं हो सकती ये तो ज्यादा पुरानी है तो पुलिस ने तो क्यों नहीं उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही के बेरा हमने चला रहे हैं कि ना चला रहे हमारे तीन कह दे हम तो चला रहे हैं लेकिन रुक जाती है बात उड़े या कि अगर मर्डर वही होया है एक लन कर इस बात को जो ये थारे के श्याम है उन्होंने वहां जगह देखा वहां उनका भी नहीं सोच दी। अच्छा जी